मेरी स्कूलिंग झारखंड में एक छोटे शहर बुकारो से हुई है। वहीं पे मैंने खेलना भी शुरू किया, मैं क्लास 12 तक वहाँ पे था। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर आ गया अपना इंजीनियरिंग करने, और वहाँ पे भी ये खेल हमेशा मेरे साथ रहा। तो मैं जब क्लास 3-4 में था तब से मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। अब मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं ट्रिक शॉट्स करता हूँ और ये सब होता है, तो वो सब शुरू वहीं हुआ था मेरे स्कूल से। और हमेशा स्कूल में आगे पढ़ने बोला जाता था कि अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर टेबल टेनिस जैसा स्पोर्ट्स ले रहे हो तो उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये बहुत नया चीज़ था, ये कुछ ऐसा था जो इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे, शायद कोई नहीं कर रहा था उस समय जब मैंने करना शुरू किया था। तो ये बहुत ही नया चीज़ था और बहुत ऐसा चीज़ था जो एक बार कोई देखता था तो उसको लगता था कि ये कैसे हो गया, उसका स्कोप कहाँ तक था, कहाँ तक जा सकते हो तुम ये करते करते, ये हमेशा एक सवाल रहता था। तो सोशल मीडिया और ये सबसे ये सवाल बंद हो गए, क्योंकि लोग को दिखता था कि इतना एक्सपोजर मिल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं आपको, तो फिर लोग को भरोसा होता था कि हाँ ये कुछ तो सही कर रहा है, तभी इतने लोग देख रहे हैं और इतने जगह से अप्रिसिएशन आ रहा है। मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन टेबल टेनिस और स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है और ये मेरे को खुश रहने में हेल्प करता है। तो ये मंत्रा ये है कि खुश रहना, और खुश रहने के लिए जो जो कर सकते हो करो। कुछ कंटेंट क्रिएटर लोग जिनको मैं इंस्टाग्राम और ये सब पे फॉलो करता था, मैंने देखा कि वो लोग जोश पे आ रहे हैं और ये एक नया प्लेटफॉर्म था जो बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था एक्चुअली। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे ट्राई करना चाहिए कि क्या हो रहा है वो देखते हैं। और मैं गया तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे शेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, वो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत इजी है लोगों के लिए दूसरों तक पहुँचाना एक वीडियो को। तो ये देख के बहुत मोटिवेटिंग लगा मेरे को कि अगर एक इंसान देख रहा है वो 10 और लोगों तक वो चीज़ को पहुँचा पा रहा है, तो पावर ऑफ दिस ऐप बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को जोश के बारे में, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी ऑडियंस देख रही है, कहाँ के लोग देख रहे हैं, क्या कौन देख रहा है। मेरे को इससे मतलब है कि लोग देखें इस गेम को, लोग देखें मैं क्या कर रहा हूँ, और ये जोश बहुत इजीली प्रोवाइड कर रहा था। अगर लोग मेरे प्रोफाइल पे आके टेबल टेनिस का 4 वीडियो देख रहे हैं, तो वो 5वां वीडियो वो जो देखना चाहेंगे वो होना चाहिए ऐसा जो एक्चुअल गेम खेल रहे हो, जो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो लोग एक्चुअली प्राउड कर रहे हैं इस देश को। तो एंड गोल ये है कि किसी तरह ज़्यादा लोगों को ये गेम दिखाना, ताकि जो लोग खेल रहे हैं इस गेम को उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए।